हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नीरी सिरप का और नीरी टैबलेट का। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स और डोजेस के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नीरी सिरप और नीरी टैबलेट्स एमिल फार्मास्यूटिकल की बनाई हुई एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने रिजल्ट के कारण। नीरी सिरप 100 ml की पैकिंग की MRP प्राइस के बारे में हम बात करें दोस्तों तो ₹135 है और ये आपको 200 ml की पैकिंग में भी मिल जाएगी। इसके टैबलेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों 30 tablets की MRP प्राइस यानी कि 30 tablets की MRP प्राइस ₹155 है यानी कि ₹155 है और ये भी आपको सभी मेडिकल शॉप पर मिल जाती है। थोड़ा सा कीमती है दोस्तों, लेकिन इसकी रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छी होती है। ये आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो और इसे मेडिकल शॉप से भी ले सकते हो। नीरी सिरप और नीरी टैबलेट्स को दोस्तों आयुर्वेदिक फॉर्मूले से तैयार किया गया है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो है केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है। इसको पूरे ही इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सभी के सभी आयुर्वेदिक है। आप जब भी लीजिएगा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये बिल्कुल ही सेफ़ है और कोई भी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, इसका यूज़ अगर आपको पेट में पथरी यानी कि स्टोन की शिकायत है या फिर पेट में ज़्यादा दर्द होता है या फिर UTI इन्फेक्शन है जैसे कि बार बार पेशाब लगना, पेशाब के रास्ते जलन होना जैसी समस्या में इसकी रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है। ये हमारे किडनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो दोस्तों ये आपके पथरी को गलाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अब हम आपको बता देते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो सिरप का डोज है एडल्ट के लिए यानी कि बड़ों के लिए 5 से 10 ml एक ग्लास पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके दिन में 2 बार लेना है। और बच्चों के लिए यानी कि चिल्ड्रेन के लिए 2.5 ml यानी कि 2.5 ml दिन में 2 बार आधा ग्लास पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। दोस्तों, टैबलेट्स की डोज की बात करें तो दोस्तों एडल्ट के लिए टैबलेट का जो डोज है वो 2 से 3 tablets दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और चिल्ड्रेन के लिए दोस्तों यानी कि बच्चों के लिए 1 से 2 tablets दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप इसका डोज डॉक्टर के एडवाइस से लेते हो तो आपके लिए और भी अच्छा होता है और आपको अच्छी रिजल्ट मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों ये सेफ़ नहीं है तो इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर आपको करना होगा तो एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसका नॉर्मली कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया है। अगर आपको इसको पीने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।